हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सुबह हो चुकी है। आप लोगों के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए आज की सुबह बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज रात भर मैं सोचता रहा कि कब सुबह हो, कब सुबह हो। आज रात पूरी मेरी जागते हुए बीत गई, सोने को एक मिनट नहीं मिला, क्योंकि आज रात को मैं यहीं पर लेटा हुआ था। ये देखो मेरी चारपाई वगैरह पड़ी है, मोटरसाइकिल मेरी खड़ी है, और ये आपको जो दिख रहा है इसमें सारा हमारा केला है। ये देख सकते हैं दोस्तों, सारा केला है। तो आप लोगों से मैंने बताया था, कई दिनों से मैं कह रहा था कि अब हमारा केला कटने लायक हो गया है, कटने वाला है। तो कल कट रहा था मेरा केला, सब कुछ सही से चल रहा था कल, लेकिन सेकंड मीटिंग में अचानक खूब आंधी तूफान आया और बारिश होने लगी। तो काफी बारिश हुई और सारा केला हमारा जो यहाँ पर लगा हुआ था वो भीग गया, और कुछ केला काटने को भी रह गया खेत में, और हमें रात पूरी यहीं बितानी पड़ी। और रात में यहाँ पे इतने बड़े बड़े मच्छर लग रहे थे, इतने बड़े बड़े मच्छर लग रहे थे कि क्या बताऊं, पूरी रात नींद नहीं पड़ी मुझे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा थोड़ा सुबह अपना दिखा दूं खेत की, कितना खेत कटा कितना नहीं कटा। तो चलते हैं खेत को, क्योंकि अब सुबह मैं जगा हूं तो मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो YouTube पर ही दिखाया जाए सभी लोगों को अपना प्लांट वगैरह। तो चलते हैं दिखाते हैं आपको। तो आ चुके हैं किसान भाइयों हम खेत को। तो आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 80% केला हमारा कट चुका है, एक ही बार में पूरा 80% कट गया। बाकी 20% जो बचा है वो अगली बार कट जाएगा। और वैसे तो अब की बार हमारा केला बहुत टाइमिंग से मतलब तैयार हुआ, क्योंकि नवरात के 5-6 दिन पहले तैयार हुआ है, तो रेट भी काफी अच्छा मिल गया। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन मीडियम का रेट है, 12 रुपये का रेट मिल गया, तो अच्छा रेट है काफी। क्योंकि अगर 10 रुपये के नीचे मिलता है तो नुकसान नहीं होता, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं, लेकिन 12 का मिल गया तो सही रेट है। और 80% अगर एक बार में कट जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सब लगभग कट चुका है। तो जो पतली वाली घारें हैं इस तरीके की, इन पर अब हम कुछ छिड़काव मारेंगे, तो उसका वीडियो आप लोगों को भी बताएंगे कि इसमें अब हम जल्दी इसको तैयार करने के लिए क्या डालें इसमें, क्योंकि अब अगली सीजन जो हमारी है केला कटने की वो बहुत ज़्यादा दिन की नहीं, बस दशहरे तक अगर जिसका केला बिक गया, नहीं उसके बाद रेट वेट नहीं आता केला का। जो लोग पुराने केला की खेती करते हैं उनको पता है, और जो लोग नए हैं वो लोग ये बात जान ले कि जो केला नवरात तक हमारा कट गया, बाकी कटता नहीं बाद में, क्योंकि सस्ता हो जाता और उधर तैयार होने भी नहीं आता। जितना ही जाड़ा होता जाएगा उतना ही हमारा केला तैयार होने में देरी लेगा, इधर जब तक गर्मी रहेगी तब तक तो जल्दी तैयार होगा। और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन रात में हमको आज इतनी तकलीफ हुई है कि क्या बताएं। जीवन में इतना मतलब कभी नहीं मुझे दिक्कत हुई जितना आज रात में दिक्कत हुई। मुझे तो एक मिनट नींद ही नहीं पड़ी, हाथ पूरे पूरा लगा कि मच्छर काट काट के पूरा बहुत यार परेशान हो गए। आज लगा कि एकदम खेती करना तो एकदम क्या बताएं। ये देखो सूरज वगैरह निकल आए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग काफी। हालांकि सुबह सुबह खेत में बहुत अच्छा लगता है, जो लोग खेत को जाते हैं पढ़े सुबह सुबह उनको पता है ये बात। तो चलो आपको दिखाते हैं कुछ अपना खेत। और ये हमारी बाग है, यहाँ पर पहले बाग थी, धीरे धीरे एक एक करके सारे पेड़ हमारे सूख गए। अब एक ये पेड़ बचा है हमारा, आप लोग देख सकते हैं काफी बड़ा है पेड़, इसमें हमारी आम वगैरह लगती हैं, बहुत बढ़िया आम होता है इसका। और ये खेत भी हमारा कट रहा था कल, तो इसमें भी लगभग कट गया है आधा। अब आपको दिखा दें कि कितना कीचड़ है हमारे रास्ते में, मतलब आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। बाइक से आओ कहीं अगर जरा सा भी चूक गए तो तुरंत स्लिप मार जाती, गिर जाओ। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत कीचड़ है।
और यहाँ हमारा खेत हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है, तो डेली बाइक से ही आना जाना रहता है। तो आज सुबह का मौसम है एकदम, मैं सिंपल मोड में सत्तारी था एकदम। सत्तारी आप लोग समझते हैं ना, सत्तारी का मतलब कोई काम वाम नहीं है सुबह क्योंकि आप लोग पता नहीं कौन कौन सी भाषा बोलते हो, मुझे तो मान लो पता ही नहीं, मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ। कई लोग तो मुझको ये भी कहते हैं कि अरे ये बकवास वीडियो बनाता है, ये है वो है। तो भाई जो मेरे समझ में आता है मैं वही बनाता हूँ, जिसको पसंद आए वो देखे, लाइक करे, कमेंट करे, और जिसको ना समझ में आए तो ना देखे यार, कोई बाउंडेशन थोड़े ना है कि है। तो फिर इसी तरीके के वीडियो मैं बनाता रहूंगा, जिनको अच्छा लगे वो लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कभी, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जो केला हमारा कल कटा है इसका भी हमारे पास वीडियो रखे हुए हैं, तो उनको थोड़ा जोड़ना ओड़ना पड़ता है इधर उधर से, तो उसको जब कलेक्ट करके हम पूरा फिट करेंगे तो बाद में अपलोड कर देंगे एक आध दिन में उसको भी, कि कैसे कटाई हो रही थी, कौन कौन सी घार हमारी कट रही थी और कैसे सब पूरा प्रोसेस हुआ, तो वो भी आपको हम बता देंगे। चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।